आप जैसे घूमती हैं एक बेफिक्र बिंदास, आप गांव में जाती हैं, वो आपका अपना गांव है, आप वहां सुरक्षित होते हैं, फिर आप शुरुआत में आती हैं, आपका एक मैंने जिक्र सुना कास्टिंग काउच का भी शिकार हुई, और कास्टिंग काउच के लिए बहुत एक्ट्रेसेस कम बोलती हैं क्योंकि करियर आगे भी उन्हीं लिंक से जुड़ा होता है, वही लोग होते हैं, वो लूप बना होता है, तो क्या था वो, कौन था वो शख्स या वो हादसे के बाद कैसे निकलना, और अभी भी जो आप घूमती हैं तो बेखौफ होकर कैसे घूम लेती हैं, एक फ़ीमेल के लिए अभी भी घूमना बहुत मुश्किल है। मैं अब तक अपने गांव नहीं घूमी हूँ, ये जितने भी आपने गांव देखे हैं ये सब महाराष्ट्र के गांव हैं या बिहार के दूसरे गांव हैं। हाँ, सो लाली का बहुत ज़्यादा आशीर्वाद है कि लाली के नाम से मुझे आज भी वो प्रोटेक्शन, वो प्यार, वो हर जगह मिलता रहता है, और जो लोकल्स हैं जहाँ पे जाती हूँ वो कुछ लोग अपने बन ही जाते हैं, एक तो वो मुझे सपोर्ट मिलता है, और दूसरा है कास्टिंग काउच। उसको मैं कास्टिंग काउच क्या बोलूँ, मैं नियत बोलूँगी। कहते हैं ना कि मैं खुलकर क्यों बात किया, जब कास्टिंग काउच की बात चल रही थी तब मैंने मीटू टाइम पे भी मैंने कुछ नहीं बोला या कुछ, मैं शांत थी, लेकिन इंडस्ट्री के बारे में इसलिए अब बात करना मुझे ज़रूरी लगता है क्योंकि मैं यूट्यूब पे हूँ और मुझे पर्सनल मेल्स बहुत आते हैं, और उसमें जो यंग बच्चे हैं, जो फ्यूचर जनरेशन कह लीजिए, उनका बहुत मेल आता है कि दीदी हम ऐसा चाहते हैं, आप प्लीज़ गाइड करो, या बहुत सारी चीज़ें, तो मुझे लगता है कि उनको कुछ सच पता होना चाहिए, डेस्परेशन नहीं होना चाहिए। ऐसे भी लोग हैं, कहते हैं ना कि चावल में कंकड़ भी है, इसका मतलब ये नहीं कि चावल ख़राब है, तो अगर इंडस्ट्री में चार लोग अगर ऐसे हैं तो इंडस्ट्री ख़राब नहीं है। इतने दिनों से इंडस्ट्री की बहुत बात हो रही है, इंडस्ट्री ऐसी है, इंडस्ट्री वैसी है, एक्टर्स ऐसे होते हैं, इंडस्ट्री का एग्जैक्टली, तो मुझे लगता है उस पर बात करना बहुत ज़रूरी है कि नहीं भैया, हर कोई एक जैसा नहीं है, अगर आप कुछ भी यूज़ करते हो तो उसके मतलब, मैंने जैसे बोला कि चावल में तो कंकड़ होंगे, निकाल दो ना, आपके ऊपर है। तो बस इसलिए मैं बात कर रही हूँ कि इंडस्ट्री के बारे में हम उसमें हैं और हम जानते हैं कि क्या है, सिर्फ बुरा नहीं है, अच्छा कुछ लोग बुरे हैं। अच्छा यार, मुंबई में अपना घर है, आज आपके साथ यहाँ बात कर रही हूँ, इतनी मैच्योरिटी आई है, लाइफ को जीना सीख रही हूँ बिकॉज ऑफ दिस इंडस्ट्री, अनुभव मुझे मिला है इस इंडस्ट्री से। लेकिन मैं फैक्ट बताती हूँ, ये बात अभी तक मैंने डिस्क्लोज नहीं किया अपने भी चैनल पे, नहीं तो आई डोंट नो आपके लिए ये दिखाना पॉसिबल हो या नहीं। नहीं, आप प्लीज़ बताएं। मैं जब आई थी, हाँ, मुझे आज भी याद है, मैं होटल का भी नाम नहीं ले सकती, रेस्टोरेंट है ओशीवरा में, बहुत फेमस है, जितने भी जो शुरू के जो एक्टर्स होते हैं, स्ट्रगलर मुझे बोलना बहुत ही खराब लगता है, तो शुरुआती दौर में कहूँगी, तो वहीं पर ऑडिशंस होते हैं, वहीं पर आप जाते हो थोड़ा नीचे, क्योंकि 50 रुपये का आपको कुछ खाने को मिल गया, उसकी उस जगह पे मेरा ऑडिशन था। अच्छा, बहुत बड़ा फेस था वो डायरेक्टर, जो एक्टर्स भी जा रहे थे वहाँ पर, वो भी ऑडिशन जो दे रहे थे वो वेल नोन एक्टर्स थे, तो आप क्या समझोगे कि आप नॉर्मल जगह पे आप ऑडिशन देने आए हो। मैं वहाँ गई, मेरा ऑडिशन हुआ, लेकिन उस डायरेक्टर ने नहीं लिया, जो नीचे कोऑर्डिनेटर टाइप के लोग होते हैं, नो, वो कोऑर्डिनेटर नाम ही खतरनाक मुझे लगता है, मैं आज तक कोऑर्डिनेटर के साथ अब नहीं जाती। अच्छा, सो उस समय ये वर्ड यूज होता था, और आपका हो गया मैडम, आप इतना अच्छा परफॉर्म किए हैं सर, तो बस आप ही के बारे में बोल रहे हैं, आपका ही होगा। मैंने कहा ओके थैंक यू, और मेरी शुरू से ही आदत थी कि मैं अकेली नहीं जाती थी, मेरे साथ एक मेरी फ्रेंड थी, वो डांस के लिए आई थी, एक सिंगिंग के लिए आई थी, मैं एक्टिंग के लिए आई थी, उसको कहीं जाना होता था तो दुम बनकर मैं जाती थी जी ऐसे, और वो आपके साथ, और वो मेरे साथ, तो बेनी नाम था उसका, तो उसने बोला बस चलिए स्क्रिप्ट ले लीजिए, मीटिंग कर लेते हैं, सब कुछ फाइनल कर लेते हैं। तो आपको समझ में नहीं आता, इतने नए होते हो। मैं गई उस रेस्टोरेंट के ऊपर, एक रेस्टोरेंट है वहाँ पर, कोल्ड ड्रिंक आया, बातचीत हुआ, आप पीजिए ना पीजिए ना, और हम पहले से छाता बोतल पानी लेकर जाते थे कि हम ना कुछ नहीं खाएंगे, अच्छा हम ना कुछ नहीं पिएंगे, हाँ, बट इतना नॉर्मल था सब कुछ। मुझे आज भी याद है कोल्ड ड्रिंक आया और ये, तो इतना इंसिस्ट किया कि मुझे थोड़ा पीना पड़ा, फिर मैंने नहीं भी पिया। फिर हमें स्क्रिप्ट दिया गया और कहा गया कि एक काम कीजिए, सेकेंड ऑडिशन आपका सेकेंड राउंड होगा, हम आपको कॉल करते हैं, आप तब आइएगा। अच्छा,
घर हमारा उसके पीछे ही था, मुझे आज भी याद है, वो वन रूम किचन जो होता है, पिलाने के बाद सेकंड राउंड होगा, सेकंड राउंड होगा। हम घर चले गए और मैं अपनी फ्रेंड को बोल रही हूँ, बेनी कोल्ड ड्रिंक में कुछ है क्या? बोला नहीं। तुझे ना शक हो रहा है, हम ना ऐसे बातें करते रहते ना कि यहाँ कुछ भी होता है, तुझे ना डाउट हो रहा है। यू वोंट बिलीव, 40 मिनट के बाद मैं इतनी बहकी हुई सी थी, मैं कंट्रोल, मुझे लग रहा था मैं बहक रही हूँ लेकिन मेरा कंट्रोल नहीं था, तो मैं होश में थी, मिला हुआ था। आई टेल यू, उसके बाद मुझे कॉल आया, आपका सेकंड राउंड का हो गया है, आप आ जाइए। और स्क्रिप्ट वाज रद्दी, ओके, वो जो वो होते हैं ना, मतलब उसमें कुछ था ही नहीं, कुछ भी नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक बहाना कि सेकंड राउंड के लिए आना है। मैंने कहा बेनी मुझे डर लग रहा है इसमें ना कुछ स्लरिश, और उस टाइम पे क्या होता है लोग कहते हैं तो ना कह देती, अरे यार खुद पे भी लगता है कि नहीं, हो सकता है जेन्युइन हो, मुझे कुछ वो मौका हो जो मैं छोड़ रही हूँ, ये जो एक बात होती है। फिर मेरी फौज तैयार, हाँ राजू दा आप फ्री हो क्या, आप आ जाओ, बेनी राजूदा मैं चले गए, और मैं ही कर रही हूँ, हाँ बहुत ही हा हा हा, एकदम बिंदास, थोड़ी ज्यादा फ्री जो मैं नहीं थी तब। वहाँ जब मैं चार बंगला महाडा पहुँची और जिस जगह का उसने एड्रेस दिया था, रिचा आई कांट टेल यू, मुझे आज भी अफसोस है कि मैं वहाँ पर उस लड़की के लिए कुछ नहीं कर पाई जिसको मैंने देखा। मैं घुसी, अजीब सा गंदा सा माहौल था, एक कमरा खुला और वहाँ से कोई निकला और एक अस्त व्यस्त कपड़े में, इतनी बुरी अंदर से लाइटिंग और ये, और वो जो लड़की समझ में आ जाता है, नशे में तो नशे पड़ी थी और उसमें जो भी होना था शूट वो हो चुका था, नहीं वो हो चुका, अंदाजा लग चुका, अंदाजा लग चुका था कि हो चुका। और वो बंदा आया बाहर और उसने मुझे जो क्लास लगाई, बॉयफ्रेंड के साथ आई हो, मैंने कहा भाई है मेरा, अच्छा वहां उनके स्क्रिप्ट के मुताबिक आप काम नहीं कर रही थी, नहीं कर रही थी। उस ड्रिंक में जो भी था, मतलब ऐसा भी कुछ आता होगा मुझे नहीं पता था कि आप होश में तो हो लेकिन आप कंट्रोल नहीं है आपका कि आप क्या बोल रहे हो, थोड़ा माइंड ऐसा है। हमने कोई फाइट नहीं किया, हम डांट सुने बल सॉरी और ये हमने गया। बस भाई ने कहा अच्छा कोई बात नहीं, हाँ भाई हैं, अच्छा आजा आजा करके हम रिक्शे से फरार हुए। और उसके बाद जो मैं एक महीने, एक वो हुआ और एक ये हुआ, ये दो केस, दो केस। पर मुझे दुख है इस बात का कि इसका हम जिक्र नहीं करते, मैं कैसे कर दूं यार, लोग मुझे फिर काम नहीं देंगे कि बड़ा मुफट है। लेकिन मैं आज इसलिए बात करती हूँ क्योंकि आज मुझे लगता है कि नहीं, सिर्फ काम इम्पोर्टेंट नहीं है, इससे बात होनी चाहिए, सोशली रिस्पॉन्सिबल भी हैं हम, फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें बात करनी चाहिए, गलत को गलत कहना बहुत जरूरी। मैं इंडस्ट्री को कभी गलत नहीं कहती, लेकिन इंडस्ट्री में कुछ लोग बहुत गलत कर रहे हैं, मुझे लगता है वो जो बड़ा फेस है, आज मुझे मिल जाए मैं चप्पल से मारूंगी, अभी भी वो बड़ा चेहरा है, वो है, वो कहाँ जाएगा। अच्छा, लेकिन मुझे तकलीफ ये है कि वो ये नहीं सोचते कि जो करना चाहते हैं ना उनसे करवाओ ना यार, पर ऐसे फंसाओ नहीं बच्चों को, बिल्कुल जो शुरुआत में आ रहे हैं, जो पता आ रहे हैं। बट फिर मैं ये बात इसलिए भी नहीं करती हूँ कि घर बैठे जो छोटे शहर के माँ बाप हैं, मेरे भी माँ बाप हैं, तुरंत बोलेंगे छोड़ो 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 घर, अरे बच्चों को स्ट्रांग बनाओ यार, उनको सिखाओ कि डेस्परेट नहीं होना बेटा, हम तुम्हारे साथ हैं, ऐसे घटिया जगहों पर मत जाना, सिर्फ बड़ा चेहरा देखकर पागल मत हो जाना, तुम सबसे बड़ी हो, एक दिन तुम बड़ी होगी वो तुम्हारे पीछे आएंगे। सो नहीं, काम, टीवी छोटा पर्दा, फिल्म बड़ा पर्दा, कुछ नहीं होता, आप परफॉर्म कीजिए, लाइफ में परफॉर्म कीजिए। अच्छा, मैं पंकज त्रिपाठी जी के इसलिए कायल हूँ, वो इंसान जितना बढ़िया अभिनेता है उतना बढ़िया इंसान, बहुत बढ़िया इंसान। कोई कहता ना आपके फेवरेट एक्टर कौन है, मैं कहती हूँ वो जो अपनी निजी जिंदगी बेहतरीन तरीके से अदा कर रहा हो, जो उसमें वो अभिनय अच्छा कर रहा हो। बिल्कुल, सो बातें तो बहुत सारी हैं पर हाँ, और बातें बिल्कुल ऐसे चलती रहेंगी, हम आपसे आगे भी करते रहेंगे।